गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. चैप्टर टू प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. टुडे वी विल स्टार्ट विद न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड. द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग बाय 5 एंड 10. क्वेश्चन सेकेंड में हमने क्या किया था, टेस्ट द डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ करके हमने ये चेक किया था कि नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 4 और 8. कि कोई जो नंबर्स हमें गीवन है वो गीवन नंबर्स क्या 2 से डिवाइड होता है, क्या 4 से डिवाइड होता है, क्या 8 से डिवाइड होता है. वी हैव चेक्ड दिस. इन दिस क्वेश्चन वी हैव यूज द डिविजिबिलिटी टेस्ट. हम डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ करेंगे एंड वी हैव टू चेक विद द टू नंबर्स 5 एंड 10. इन द क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट पार्ट इज 120. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू चेक कि 120 इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट, 120 इज डिविजिबल बाय 10 और नॉट. वट इज द रूल फॉर द डिविजिबिलिटी बाय 5? 5 का रूल क्या था बेटा, इफ अ नंबर इज हैविंग द वंस प्लेस 0 और 5. अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे अगर हमें 0 मिलता है या 5 मिलता है देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5. तो क्या होता है, वो नंबर 5 से डिवाइड होता है. और 10 का रूल क्या था, इफ अ नंबर इज हैविंग द वंस प्लेस 0. अगर किसी नंबर का वंस प्लेस 0 है देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 10. तो यहाँ पे क्या है, वंस प्लेस क्या है 0 है. अगर वंस प्लेस 0 होता है तो नंबर क्या है 5 से भी डिवाइड होता है, क्योंकि 5 से डिवाइड के लिए क्या चाहिए 0 या 5. तो हमारा यहाँ पे 0 है. और 10 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि वंस प्लेस क्या होना चाहिए, सिर्फ 0 होना चाहिए. तो यहाँ पे 0 भी है. इट मीन्स 120 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 10 बोथ. सो वट वी हैव टू राइट, डिविजिबिलिटी by 5 and 10. In 120, ones place is 0. Ones place में हमें क्या मिला 0. Ones place पे क्या है 0 है. Ones place is 0. So It is divisible by 5 and 10 both. In 120, ones place क्या मिला हमें 0. Ones place पे क्या है 0 है. Ones, tens, 100. हमें कौन सा नंबर प्लेस चेक करना है, वंस प्लेस. वंस प्लेस क्या है 0 है. इफ वंस प्लेस इज 0 इट मींस द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 10 बोथ. सेकंड पार्ट है बेटा इसका 1000. सेकंड पार्ट इज 1020. इट इज डिविजिबल बाय 5. क्या ये 5 से डिवाइड होगा, यस, बिकॉज वंस प्लेस इज 0. क्या ये 10 से डिवाइड होगा, यस, बिकॉज वंस प्लेस इज 0. सो दिस नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 एंड 10 बोथ, बिकॉज द वंस प्लेस इज 0. और अगर वंस प्लेस 0 होता है तो इट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 10. सो वी हैव टू राइट डायरेक्ट, यस, 1020 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 10 बोथ, बिकॉज वंस प्लेस इज 0, बिकॉज वंस प्लेस इज 0. नाउ थर्ड पार्ट इज बेटा 4695. थर्ड पार्ट में क्या है, 4695.
नाउ वी हैव टू चेक डिविजिबल बाय 5 एंड 10. 5 का रूल क्या था, वंस प्लेस बिकम्स इफ द वंस प्लेस इज 5 और 0 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5. और 10 का रूल क्या कहता है, इफ द नंबर वंस प्लेस इज 0. सो यहां पे वंस प्लेस 0 है, नो. सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 10 बट इट इज डिविजिबल बाय 5 बिकॉज द वंस प्लेस इज 5. ओके, 4695 इज डिविजिबल बाय 5. 4695 इज डिविजिबल बाय 5 बिकॉज वंस प्लेस इज 5 बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10. परंतु क्या होगा, बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10 बिकॉज वंस प्लेस इज नॉट 0. क्यों नहीं होगा 10 से डिवाइड, क्योंकि वंस प्लेस पे हमें 0 नहीं मिला. सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय ओनली 5. नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, 5552. नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट सॉरी फिफ्थ पार्ट इट इज थर्ड पार्ट बेटा सॉरी इट इज थर्ड पार्ट नाउ वी हैव टू डू द फोर्थ पार्ट. 5552, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और 10. क्या ये नंबर 5 और 10 से डिवाइड होगा, चेक द वंस प्लेस. वंस प्लेस हमें क्या मिला, वंस प्लेस पे क्या है हमें गिवन, 2. इफ द वंस प्लेस इज 2 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, नो. व्हेन द नंबर डिविजिबल बाय 5 देन वंस प्लेस इज 0 और 5, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5. और 10 से नॉट डिविजिबल बाय 10 ऑल्सो बिकॉज वंस प्लेस इज नॉट 0. Understand? So, 5552 is not divisible by 5 and 10 both because ones place is 2. क्योंकि हमें क्या मिल गया, वंस प्लेस क्या मिला, 2 मिला, जो ना तो 0 है ना ही 5 है. क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए 5 या 0 होना चाहिए वंस प्लेस, और 10 से डिवाइड होने के लिए 0 होना चाहिए. सो ना तो ये 5 है ना ही 0. सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 10. नेक्स्ट पार्ट है बेटा 6545. This part is match with the third part. यहाँ भी ones place 5 था, यहाँ भी ones place क्या है 5 है. So this part you have to solve yourself. ये number 5 से divide होगा but 10 से नहीं होगा. Same लिखना है आपको, same as third part. Now the sixth part, 34710. This part is match with the first and second part. वंस प्लेस पे क्या है, 0 है. अगर वंस प्लेस 0 होता है किसी भी नंबर का तो इट मींस दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 10 बोथ. सो दीज टू पार्ट्स यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ, डू योरसेल्फ. ये दोनों पार्ट्स आपको करने हैं, यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ इन योर फेयर नोटबुक. Now we will move on the next question, question number 4th. Next question पे चलते हैं हम, question number 4th. The statement of the question 4 is, test the divisibility
द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय थ्री. फर्स्ट पार्ट इज 5552. व्हेन वी डू द डिविजिबिलिटी रूल्स, जब हमने डिविजिबिलिटी रूल्स किए थे बेटा, तो जो डिविजिट थ्री के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या था, इफ द सम ऑफ द डिजिट, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय थ्री देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री. इट मीन्स जो नंबर हमें गिवन है उस नंबर में जो डिजिट्स हैं, अगर हम उन डिजिट्स को ऐड करें, उनका सम करें, और अगर वो सम थ्री से डिवाइड हो जाता है, तो इट मीन्स वो कंप्लीट नंबर थ्री से डिवाइड हो जाएगा. तो सम ऑफ द डिजिट्स करो, देखो 5 + 5 + 5 + 2 व्हाट विल कम, 17. 17 कम इन टेबल ऑफ थ्री. क्या 17 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 5 15 3 6 18, 17 3 की टेबल में नहीं आया, तो दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 3. ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, डिविजिबल बिकॉज ओनली वन नंबर इज गिवन, सो डायरेक्टली वी हैव टू राइट सम ऑफ डिजिट. सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा, 5 + 5 + 5 + 2 व्हाट विल कम, 17. 5 + 5 = 10 + 5 = 15 + 2 = 17. सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट इज 17 एंड 17 is not divisible by 3, so 5552 is not divisible by 3. So 5552 is not divisible by 3. So 5552 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा. इन द फोर्थ क्वेश्चन बेटा, फोर पार्ट्स आर गिवन. वन पार्ट मैंने सोल्व किया है, आई विल सोल्व द वन मोर पार्ट. पार्ट नंबर सेकेंड, 4345. Some of the digits, same you have to do the work. Sum of the digits, क्योंकि 3 की checking के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें sum of the digits करना पड़ेगा. If the sum of the digits is divisible by 3, then the whole number is divisible by 3. So digits क्या हमारे पास, 4, 3, 4, 5. सम करो इनका, 4 + 3 = 7, 7 + 4 = 11, 11 + 5 = 16, 16 इज डिविजिबल बाय 3. क्या 16 3 से डिवाइड होता है, 16 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3. सम ऑफ द डिजिट इज, सम ऑफ द डिजिट्स इज 16 एंड 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो 4345 is not divisible by 3. So 4345 3 से डिवाइड नहीं होगा. नेक्स्ट पार्ट है बेटा, थर्ड पार्ट, 12012.
12,012. सेम रूल किसका यूज करना है, थ्री का. तो थ्री के रूल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स. डिजिट्स क्या है हमारे पास, 1 + 2 + 0 + 1 + 2. ऐड करो सबको, 1 + 2 = 3 + 0 = 3 + 1 = 4 + 2 = 6. वट विल बिकम्स 6. सम ऑफ द डिजिट क्या है, 6. क्या 3 की टेबल में 6 आता है, यस. सो इट मीन्स 3 की टेबल में 6 आता है, इट मीन्स ये नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा. सम ऑफ द डिजिट इज, सम ऑफ द डिजिट्स इज 6 एंड 6 इज डिविजिबल बाय 3. सो 12,012 इज डिविजिबल बाय 3. इसलिए क्या हो गया, जो 12,012 है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. अंडरस्टैंड. लास्ट पार्ट है बेटा, 98,761. सम ऑफ डिजिट करेंगे तो क्या आएगा, 9 + 8 = 17. 17 + 7 = 25. 25 + 6 = 31. 31 + 1 = 32. 3 की टेबल में नहीं आता है. सो दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3. सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चन, सम ऑफ द डिजिट्स. अंडरस्टैंड. 9 + 8 = 17. 17 + 7 = 24. 24 + 6 = 30. 30 + 1 = 31. सम इज बेटा 31, नॉट 32. सम ऑफ द डिजिट्स इज 30, सो 32, सो 31. सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 बिकॉज द सम ऑफ द डिजिट इज 31. सो दिस पार्ट यू हैव टू सॉल्व यूर सेल्फ. ओके.